करप्शन डिपार्टमेंट ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गोरखपुर में औषधि विभाग के लिपिक को दवा की दुकान के लिए ड्रग लाइसेंस के लिए रिपोर्ट लगाने के नाम पर घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया और एंटी करप्शन टीम ने लिपिक के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आपको बता दें कि अनुपम गौड़ पुत्र आनंद कुमार गौड़ को दवा की दुकान के लिए नए ड्रग लाइसेंस की आवश्यकता थी, जिसके लिए उन्होंने 10 फरवरी को ऑनलाइन आवेदन किया। इसके बाद जब उन्होंने विभाग में संपर्क किया तो वहां तैनात लिपिक विकास दीप ने 40,000 रुपए की रिश्वत मांगा। जब रिश्वत मांगने की बात सामने आई तो उन्होंने एंटी करप्शन विभाग में इसकी शिकायत कर दी। इसके बाद एंटी करप्शन विभाग ने घूसखोर लिपिक के लिए जाल बुन दिया। एंटी करप्शन टीम प्रभारी रामधारी मिश्र ने सहयोगी निरीक्षक AK सिंह, चंद्रेश यादव, शैलेंद्र राय, चंद्रभान मिश्रा, शैलेंद्र सिंह के साथ कलेक्ट्रेट स्थित औषधि विभाग के कार्यालय से लिपिक विकास दीप को 40,000 घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और अभियुक्त को कोतवाली थाने लाया गया, जहां उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एंटी करप्शन टीम के प्रभारी रामधारी मिश्रा ने कहा, हम नए हैं, समझ जा रहे हैं आप से नहीं। नहीं वो तो लिखना पड़ेगा, जिसे उसमें आनंद कुमार गौड़ जंगल वहाँ सिकरी के रहने वाले हैं शाहपुर में, उन्होंने शिकायत किया था लिखित रूप में कि मेरे लड़के अनुपम गौड़ ने मेडिकल दुकान के लिए लाइसेंस अप्लाई किया है। उनके कार्यालय खाद्य एवं रसद औसत प्रशासन में लिपिक जो है 40,000 रुपये रिपोर्ट लगाने के लिए मांग रहा है। उसके प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लेकर आज लोक सेवक साक्षी DM साहब के अनुमति से लेकर के रंगे हाथ उसको 40,000 रुपये लेते पकड़ा गया है। गिरफ्तारी विकास दीप नाम है उसका, आरोपी है कनिष्ठ लिपिक और कार्यालय में जो है अपनी सीट पर लिया है। कृपया नहीं, वो तो विवेचना चलेगी, विवेचना में बहुत सारे जो भी आएंगे तथ्य वो अपने सबूतों के आधार पर कार्रवाई, अभी तो उससे डिटेल में बातचीत की जाएगी, वो तो विवेचना का विषय है। अभी इसको तत्काल नहीं, अभी तो FIR लार्ज हो रही है, FIR के बाद उसे विवेचना होगी, उसमें सारे तथ्य सामने आ जाएंगे, कौन कौन संलिप्त है, क्या क्या एविडेंस है, ये सारी चीज़ें विवेचना का पार्ट है।